दोस्तों, आप भी अगर एक यूट्यूबर हैं, आपने भी नया नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो आपको अपने चैनल का टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों। इससे फायदा ये है कि आप अपने यूट्यूब वीडियो पे कस्टम थंबनेल लगा पाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर आप 15 मिनट से अधिक का वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप ना ही कस्टम थंबनेल लगा पाएंगे अपने वीडियो पर, और ना ही 15 मिनट से अधिक का वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो बताने वाला। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन तो बनता है। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत, और सुजीत के वीडियो में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। तो मैं चलता हूं सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं मैं आपको एक एक स्टेप प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल का टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल में करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल में सिंपली डेस्कटॉप साइट में गूगल क्रोम को ओपन करना है। इसके बाद जो भी काम आप करेंगे वो सारा लैपटॉप या कंप्यूटर के जैसा ही होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में Google Chrome को ओपन करना है। दोस्तों, आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल क्रोम मोबाइल में ओपन करना है, और इसके बाद डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लीजिए। इसके बाद जो भी काम आप करेंगे वो आपका लैपटॉप कंप्यूटर के जैसा ही होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे youtube.com को सर्च करना है, और इसके बाद आपका होम पेज कुछ इस तरह का खुल करके आ जाएगा। तो आपको अब देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे इस जगह पे आपको आइकन मिल जाता है आपके चैनल का, आपको इसमें क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है। अब यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद आपका जो होम पेज है, आपका डैशबोर्ड है, वो खुल करके आ जाएगा। दोस्तों, डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको सेकंड में देखे चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको चैनल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे लास्ट में देखिए थर्ड ऑप्शन जो है आपको इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए इस जगह पे आप देखिए इस वाले ऑप्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप हाईलाइट नहीं किया हुआ, मतलब एलिजिबल नहीं है। इसमें क्या मिलता है, देखिए लिखा हुआ है फीचर दैट रिक्वायर्ड फोन वेरिफिकेशन, और इसके नीचे लिखा हुआ वीडियोज ओवर 15 मिनट्स और कस्टम थंबनेल्स। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कर लेते हैं तो आप 15 मिनट से अधिक का वीडियो भी बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पे, और इसके अलावा वीडियो पे कस्टम थंबनेल को भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए एरो का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसमें क्लिक करना है। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करने के लिए आप देखिए वेरीफाई फोन नंबर मिल जाता है, आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद एक नया विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट मी और कॉल मी का। आप किस तरह से अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। तो अगर आप मैसेज के थ्रू करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मी वाला ऑप्शन पर क्लिक करने दीजिए। अगर आप कॉल में वेरिफिकेशन कोड चाहते हैं तो आपको कॉल मी पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ। इसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो बाई डिफॉल्ट इंडिया यहाँ पे आ जाता है, और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आपको सबसे पहले 0 लगाना होगा, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है यहाँ पे। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे गेट कोड का ऑप्शन मिलता है, आपको इसमें क्लिक करना होगा। इसके बाद मेरे मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा YouTube की तरफ से, और 6 डिजिट का जो OTP आएगा उसे यहाँ पे फिल कर देना है। तो मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है, मैं इसे फिल कर लेता हूँ। दोस्तों, जो 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आया है उसे मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे YouTube की तरफ से आप मैसेज देख सकते हैं कि यो फोन नंबर वेरीफाइड आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, मतलब कि अब आप अपना कस्टम थंबनेल अपलोड भी कर सकते हैं, और आप 15 मिनट से अधिक का भी वीडियो को YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने YouTube चैनल को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जो भी प्रश्न मैं आपको बताया है, आप इसके मदद से आसानी से अपने YouTube चैनल का टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और इसके बाद अपने YouTube चैनल पे 15 मिनट से अधिक का वीडियो भी अपलोड कर पाएंगे, और अपने वीडियो पे कस्टम थंबनेल भी लगा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, YouTube पे वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने का तरीका क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देख लेना, और YouTube चैनल का नेम अगर आपको चेंज करना है तो फिर इस वीडियो को देख लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, तब तक के लिए बाय बाय।